अस्सलाम वालेकुम, मैं इसरार अहमद, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम शाहीन बाग एक बार फिर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज 2 फरवरी है और ये न्यूज़ आ रही थी कि कुछ लोग आएंगे इस धरने को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हमारे सिख समुदाय के भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि CA के ज़रिए आप लोगों को परेशानी नहीं है क्योंकि आप लोग को नागरिकता दी जाएगी, तो आप लोग रोड पर क्यों निकले? देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारा जो इतिहास है, वो हमें एक बात सिखाता है कि भाई सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। हम नहीं देखते कि किस पर जुल्म हो रहा है वो कौन है। किसी हिंदू पर जुल्म होगा हम तब भी खड़ेंगे, किसी मुसलमान पर जुल्म होगा, किसी और कम्युनिटी पर जुल्म होगा हम तब भी खड़ेंगे। हम सबसे अहम समझते हैं कि सबसे बड़ा इंसानियत होता है। आज अगर CAA के जरिए, ठीक है, हम मानते हैं सिखों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर मुसलमानों को क्यों भाई? क्या मुसलमानों का देश नहीं है? क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी? उनका कोई खून नहीं यहाँ पर बहा है? जब हम अंग्रेज़ों से लड़े थे तो हिंदू सिख मुसलमान सभी ने अपना खून वहाँ डोला था, सभी ने। ये उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि भाई ये तो आगे जाकर 70-80 साल में ऐसे बंटवारे फिर करने लगेंगे। ये लोग नफ़रत की जो आग ये लोग खेड़ रहे हैं, नफ़रत पैदा की जा रही है। आज हिंदू और मुसलमान और सिख में एक दीवार खड़ी की जा रही है, उसके चलते आज नौजवान हम देख रहे हैं कि कैसे जामिया के आगे गोलीबारी होती है, फिर कल यहाँ पर शहीन बाग पर गोलीबारी होती है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया इन्होंने इस मुल्क का। ये तो कहते थे कि ये मुल्क दुनिया की पावर नंबर 1 बनने जा रहा है, पूरी दुनिया में आज थू हो रही है, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? तो सर, लेकिन हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि आप जितना भी विरोध प्रदर्शन कर लो, हम इसे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो उनकी बौखलाहट का नतीजा है, जब ऐसे तानाशाह लोगों के कदम डगमगाने लगते हैं तो ऐसे ही बयान आते हैं, ये बौखलाहट का नतीजा है। एक मोदी कहता है कि NRC पे, CA पे, NPR पे कोई बात नहीं हो रही। अमित शाह बोलता है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। कानून मंत्री का बयान आता है कि हम शहीन बाग के लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। सो ये लोगों का जो इकट्ठ है, जो लोगों का आपसी भाईचारा है, जैसे हम पंजाब से आज दिल्ली में आए हैं, तो ये उनको दर्शा रहा है कि ये लोग हौली हौली इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे लिए सिरदर्दी बनेंगे, हमारे गले की हड्डी बन सकते हैं। तो इसलिए इनको ये कानून है, कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये लड़ाई है जो लंबी चल सकती है, क्योंकि इनके पास ताकत है, पावर है, सरकार का मशीनरी है, पुलिस इनकी है, बड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे। मैं आपको कितनी उदाहरणें हैं इस दुनिया में, ये तो कुछ भी नहीं है। इनसे बड़े बड़े डिक्टेटर यहाँ पर आए हैं, तानाशाह आए हैं, जो एक एक दिन में लाखों लोगों को मार कर सोते थे, वो कहाँ गए भाई? आज का उनका नामोनिशान है दुनिया में, ये भी नहीं रहेंगे। पर मैं अपील करता हूँ पूरे मुल्क के लोगों को, देखो मेरे लिए खुशी की बात ये है कि इस लड़ाई में अकेला मुसलमान नहीं है, उसके साथ हिंदू भी खड़ा है। हिंदू वो खड़ा जो समझदार हिंदू है, जो इनकी साजिशों को समझता है। कितने कितने बड़ी बड़ी फिल्मों के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, बहुत होर इंसान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, UNG में पढ़ते हैं, जामिया में पढ़ते हैं, वो भी तो इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन सर, जब इतने सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें बहकाया जा रहा है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा ये कानून। मैं आपके चैनल के जरिए एक बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिख हूं, इन्होंने सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई को उस CAA के अधीन रखा है कि अगर भाई हम आपको, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सकोगे तो हम आपको नागरिकता देंगे। ठीक है, कल को अगर हम कोई अपना डॉक्यूमेंट, कोई कागज ना पेश कर सके, सबूत कोई ना दे सके, तो ये बोलेंगे भाई ठीक है, तुमको हम रखते हैं। अगर इस मुल्क का मुसलमान अपना कोई भी सबूत, कोई भी डॉक्यूमेंट ना पेश कर सका तो उसके साथ क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? डिटेंशन कैंप में जाएगा। असल ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात, ये यहाँ नहीं रुकने वाला। इसके बाद जो दलित लोग हैं, जो SC BC हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ़ भी ये कानून और भी लेकर आएंगे।
ये शुरुआत है। असल इनकी जो सोच है, जो मानसिकता है ना, देखो रोज़ ये बयान देते हैं कि भाई यहाँ इनके जो नेता हैं, कोई एमपी हैं, इनके जो मंत्री हैं, वक्त वक्त संगठनों के जो इनके आगू लोग हैं, कहते हैं देखो भाई ये तो 130 करोड़ जो यहाँ मुल्क में लोग रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। जे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम सिख हैं, हमारी बकरी पहचान है दुनिया में। आप ये जो लोग हैं ये मुसलमान हैं, इनका भी अपना धर्म है, अपनी पहचान है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। जब सदियां से हम एक साथ रह रहे हैं, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे में क्या समस्या है? कोई सिख, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई नहीं चाहता कि हम एक दूसरे लड़ें, एक दूसरे को मरें मारें, वो तो अमन भाईचारे से रहना चाहते हैं। पर इन लोगों को क्या समस्या है, ये क्यों नहीं रहना देना चाहते? लेकिन सर, सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं कि अपने रैली में कह रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन आ गया है, कह रहे हैं कि गोली मारो गद्दारों को, ऐसी ऐसी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो क्या सही है? देखो यहाँ से पता चलता है यार कितनी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अनुराग ठाकुर बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एक और उनका नेता बोलता है कि जहाँ तो जी बलात्कारी बैठे हैं, आपकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। क्या नाप बका जा रहा है, ये दुनिया देख रही है इनकी बातों को, दुनिया सुन रही है, ये नहीं पूरा भारत सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, और इनकी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, थू हो रही है इन पर कि देखो जे क्या बना रहे हैं, क्या बना, ये भारत को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं कि लोग आपस में एक दूसरे को मरे मारे नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन सर, चुनाव आयोग को नोटिस देना चाहिए, उन पर पाबंदी लगानी, सिर्फ पाबंदी लगाई जा रही है कुछ घंटों के लिए, उन पर FIR अभी तक नहीं हुई। चुनाव आयोग भाई इनका ही चुनाव आयोग है, हमने देखा ना कल वहाँ पर एक लड़का आता है, दो हवाई फायर करता था और एक कट्टा इधर फेंक कर पुलिस के पास चला जाता है, ऐसा होता है। जामिया में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे हो लहराता हुआ आता है, पुलिस ऐसे ऐसे देख रहा है, ये क्या बात है? ये तो चाहते हैं ना, जब पुलिस इनकी है, सभी कुछ इनके हाथ में है, पर हम कहाँ इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं भाई? हमारी इंसाफ की उम्मीद तो इन लोगों से है कि ये लोग इकट्ठे हों, ये लोग जागृत हों, ये लोग लड़ाई को सही तरीके से, अगर लोग लड़ गया आज पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर आज पीछे हट गए तो इन्हें उन्हें दोबारे हमें मौका नहीं देना, और इनका जो जुल्म है घटेगा नहीं और बढ़ेगा। लेकिन एक मुझे ये बात बताएं कि जिस तरीके से जो कुछ चैनल हैं उनके बहुत पत्रकार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया में, वो उस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि यहाँ जिहादी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने आर्टिक्स रखा हुआ है, ये सब जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग हैं, तो इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं और वो एक चैनल चला रहे हैं, बहुत लंबी लार्ज ऑडियंस है उसको वो साथ में जोड़े रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इनकी मानसिकता है वो क्या है, और ये लोग जो है फिर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो दलाल मीडिया है, तलबे चाटता है इनकी, बकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको आप बोलते हैं। देखो एक बात तो साफ है, गोदी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई करता है? और देखो मेरी बात सुनो, जो आज तक वाले हैं ना, आज तक वाले चैनल वाले हैं, उन्होंने कितना सुधार कर लिया अपने आप में, आया कि नहीं आया? सच दिखाना शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ मोड़ा। अमित शाह बोलता है कि भाई आज तक ना देखो, आज तक तो हमारे खिलाफ हो गया, जो सच्चाई बता रहा है इस मुल्क की वो इनके खिलाफ हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, गोदी मीडिया को जितनी फटकार आज लगती है, मैं तीन इंसानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, रवीश कुमार, प्रछुन वाजपेयी, अभिषार शर्मा, जो इस मुल्क की असलियत पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और इस मुल्क के जो युवा हैं उनको बता रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया हमारे लिए काम कर रहा है कि हम पंजाब से, जब जो गोदी मीडिया था ना, जो कह रहा था कि 500 रुपये औरतों को लाया गया, गोदी मीडिया बता रहा था ना ये बातें, हमने वहाँ देखा, जब मैं रवीश कुमार का सुना एक इंटरव्यू NDTV पर, तो हम भी जहाँ चले आए कि यार हमको पता था पहले ही था कि भाई ये बात नहीं हो सकती। आज जो औरतों जिनको कहा जाता था कि भाई ये तो बुरके में रहती है, ये तो घरों की चारदीवारी में रहती है, आज वो औरतें अपने बच्चों के साथ, महीना एक महीना दो महीने का उनके पास बच्चा है, फिर भी वो सड़कों पर आ रही है। ये निर्णायक लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी हर हालत में जीत हो। लेकिन सर, हमारे गृह मंत्री, दिल्ली इलेक्शन आ गया है तो कह रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे और लोगों से ये पूछेंगे कि आप शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हो या देश के साथ खड़े हो, तो क्या ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए गृह मंत्री? नहीं, देखो ये ध्रुवीकरण हो रहा है, ये वोटों को बांटने का काम है।
ये जो जो हिंदू वोट है उनको पोलराइज किया जा रहा है कि देखो भाई वहाँ ये बोल कि भाई वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बोलते हैं ना कि ये भाई शाहीन बाग तो पाकिस्तान है, वो टुकड़े टुकड़े गए हैं किसको, अगर औरतें आती हैं उसको वैश्या बोलते हैं, इंसान आते हैं उसको बोलते हैं जो देशद्रोही है, जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, युवा आते हैं तो ये अर्बन नक्सल हैं, जो टुकड़े टुकड़े गायक हैं जो तो अतिवादी हैं वो पाकिस्तान की बात करें। कल मैं इनकी जो यहाँ से इनका सीएम का दावेदार है बीजेपी का, क्या नाम है, तिवाड़ी, मनोज तिवाड़ी, मनोज तिवाड़ी, वो बोल रहा था कि वहाँ तो जिहाद के नारे लग रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं, वो तो देश को तोड़ देंगे। वो एक पत्रकार था, उन्होंने फिर बड़ा करारा जवाब दिया कि कहाँ भाई दिखाइए, अरे मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, मैंने वहाँ देखा है, फिर इधर उधर में हटने लग गया है ना, फिर दूर की बात करने लगा। सो ये प्रोपोगंडे को दुनिया समझ रही है, घबराने की बात नहीं है, हमारी बात पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया की नज़रें शाहीन बाग पर, जामिया पर, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं कल देख रहा था बम्बई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूजा भट्ट जो हमारी एक पुरानी एक्ट्रेस है उन्होंने आकर वहाँ पर बोला, ये ऐसा हो रहा है। पर दुख की बात यह है, ना तो सलमान खान बोला, ना शाहरुख खान बोला, ना आमिर खान बोला। देखो सबसे बड़ा हीरो होता है जो जुल्म के खिलाफ खड़े, जुल्म के खिलाफ बोले, ये तो हमारे पर्दे के हीरो हैं भाई, कमाल है यार। आप ये देख रहे हैं कि हमारी फिल्मों का ना बाइकआउट हो जाए, हमारी फिल्मों वो लोग देखना ना छोड़ दें, आप बोल भी नहीं रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुसलमान हो इसलिए बोलो, नहीं, आप जुल्म के खिलाफ बोलो, हिंदुओं पर हो रहा तब भी बोलो, हर इंसान को बोलना चाहिए, बड़े इंसान है जो बोल रहे हैं। सर ये एक आखिरी सवाल कि जैसे अभी कुछ मीडिया वाले आए थे 2-4-5 दिन पहले, बोले कि शाहीन बाग ऐसा इलाका है जहाँ से हिंदुस्तान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ धारा 370 लागू है, वहाँ के लिए अलग पासपोर्ट है, तो क्या आप आए यहाँ पर, आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ, वो जो 2-3 आए थे वो नहीं, हमें बड़ा बड़ा प्यार मिला यार। मैं कल से यहाँ पर हूँ, मैं जब यहाँ चला तो दुकानों ने ब्लॉक लगाकर ऐसे मेरे को फोटो में सेल्फी ली, चाय पिलाई, किसी रेडी वाले ने टॉफियाँ खिलाई, किसी ने बिस्किट खिलाया, इधर बिरयानी भी एक बोला कि नहीं भाई आज तो मैं जाने नहीं दूंगा आपको बिरयानी खिला, इतना प्यार मिला। इसी से पता चलता है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें कितना प्यार है लोगों में, आपस में कितना भाईचारा है, वो तो हम जानते हैं ना। बहुत बात तो मैं देखा, दो जो बड़ा गोदी मीडिया का चैनल है दो वहाँ आए, तो आप लोगों ने अच्छा किया भगा दिया उनको, उन्होंने पता नहीं क्या क्या आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर प्यार एडिटिंग कर क्या क्या चला देना था पूरे मुल्क को, तो पॉजिटिव दिखाया। हाँ, वो भी आई। सो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि आप देखो सभी है ना, क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, हम सिख हैं, ये मुसलमान है, हिंदू भी हैं, सब आ रहा है ना। इनको सोचना ना चाहिए कि भाई नहीं, आप इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। एक सवाल आपसे कि अभी आज खबर थी कि कुछ लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे, हकीकत तो ये है सच्चाई के आगे झूठ को झुकना पड़ता है। झूठ हर तरह के झूठ बोल बोल कर लोगों को बदनाम करने के लिए जो हवा उड़ाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और अगर ये शाहीन बाग को या हिंदुस्तान में जितने भी शाहीन बाग बने हैं सबको जलियांवाला बाग बनाएंगे, सबसे पहले गोली सीने पे खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ईसाई हूँ। वेरी गुड। बाद में मुस्लिम भाई मेरा कोई गोली खाएगा, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने अपना खून बहाया है। और आज इनकी सत्ता आने पर ये मुसलमानों के खून की कदर नहीं कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक बंधन में बांधेंगे। देश को उन्नति की ओर ले आने के लिए मोहब्बत जरूरी है, हम इनकी नफरत को कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि 50 दिन पूरे हो गए हैं इस प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज 2 फरवरी थी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम अपने लोगों को लेकर जाएंगे, हथियार लेकर आएंगे और यहाँ के लोगों को भगाएंगे, क्योंकि ये लोग एक इलाके को बंधक बना रखे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, ये लोग अपने मुल्क के संविधान बचाने के लिए आज रोडों पर निकल आए हैं। यहाँ पर आपने अभी देखा होगा कि क्रिश्चियन भाई भी मौजूद हैं,
सिख भाई भी मौजूद है, सारे धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं और उनका हर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और जो गोदी मीडिया ये फैला रही थी कि ये शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है जहाँ हिंदुस्तान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, हमारे भी सिख भाई ने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लोगों ने अच्छे से प्यार तरीके से हमको यहाँ पर लाया, खाने के लिए सारी चीज़ें दी और कहा कि आप हम आपको नहीं जाने देंगे, आप यहाँ रहिए। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।